काबू टीम के कैप्टन बाजाराम जी रणनीति बनाते हुए कि किस रणनीति के तहत हमें जीतना होगा। ये फिर से ले पड़े कपूरिया के पेमाराम। आपको बता दूं कि इस मैच में रेफरी 58 ईयर्स ओल्ड 58 साल की उम्र में बच्चा राम जी जो रेफरी की भूमिका निभा रहे हम सबके संरक्षक है शारीरिक शिक्षक। आपको बता दूं कि टापू का मुकाबला पिछले वर्ष की विजेता टीम से खेला जा रहा है। कपूरिया पिछले टूर्नामेंट में बुजुर्ग वर्ग में विजेता रही थी। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखो देने का इंतजार रहेगा। एम्पायर की भूमिका में मेरे बड़े बॉस रमेश जी तरण शारीरिक शिक्षक बेटवासिया। आप गंगानगर के रहने वाले हैं और आपको बता दूं कि जोधपुर के एकमात्र NIS कबड्डी कोच रमेश जी तरण एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं। और इधर शारीरिक शिक्षक मेरे बड़े भाई लोबाराम जी वैष्णव शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलव। सुपर डुपर दो अंक के मिलेंगे टापू की टीम को। ये नियमों में संशोधन हुआ। बुजुर्गों को हालांकि इसकी जानकारी है दो अंक मिले हैं सुपर टैकल। जब डिफेंस में एक दो या तीन प्लेयर होते हैं और रेडर किसी भी कंडीशन में यदि आउट होता है तो उस दौरान डिफेंस टीम को दो अंक मिलते हैं। हमारे बीच में नरेंद्र जी कसानिया पहुंच रहे। आपका आज समिति की ओर से हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा मंच पर पता रहे। नरेंद्र जी द्वारा एक विशेष सूचना है। कल आप सभी दर्शकों की जिम्मेवारी है कि एक एक दर्शक और साथ लाना कंपलसरी रहेगा। एक एक दर्शक हरेंद्र जी द्वारा आयोजन समिति को 1,11,000 रुपए सहयोग राशि दी गई। पूरी आयोजन समिति दर्शकों की ओर से हरेंद्र जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अरे मित्रों, भामाशाहों के बगैर ये प्रतियोगिताएं संचालित नहीं की जा सकती। 1,00,000 की राशि घोषित की है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। भामाशाहों के बगैर कोई भी प्रोग्राम करना संभव नहीं है। ऐसे भामाशाहों को बारंबार प्रणाम। हमारे बीच में किशोर सिंह जी आचार्य जी को सदर अंदाज में खेलना होगा। आपको बता हमसे टीम से रुको निर्णय का इंतजार करो। पहले एंट्री मत करो। अब आओ मैदान में। ये जो बोल रहे हैं जाने का सारा नहीं है। प्लीज निवेदन है कि 6 दिन इसको चलाना है तो आपका सहयोग होगा तभी पॉसिबल होगा। थोड़ा जाने से दूर है। प्लीज दूर रहे कहने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। आपका भी आज समझ आ गए।
मोदी साहब चले हैं रेड पर, बोलो सोन है वॉल्यूम कम रखें, वॉल्यूम कम रखें। स्कोर बताएं, स्कोर 4-12 कपूरिया। हरिंदर जी से निवेदन है, मंच पर बता रहे कपूरिया वाले दर्शक भी भारी पड़ रहे हैं जी। आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें कपूरिया से भाग ले रही है। एक बार इस कपूरिया के लिए जोरदार तालियां। हरिंदर जी का मान सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, प्रांतीय अध्यक्ष ऐसा ऐसा उपाध्यक्ष आपसे निवेदन लेगा, छापा बना करके मान सम्मान करें हरिंदर जी का। हरिंदर जी द्वारा 1,11,000 रुपए आयोजन समिति को सहयोग राशि प्रदान की गई, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी भामाशाह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दर्शक ध्यान दें, दर्शक दीर्घा के सभी लोग ध्यान दें, जैसे ही हाफ टाइम होता है 4 मिनट का कंटिन्यू आपको डांस करना है, 4 मिनट का डांस सबको करना कंपलसरी है, नहीं तो कल जो डांस नहीं करेगा उनको टिकट नहीं मिलेगा स्टेडियम में बैठने का, यही सजा है वो समझ रहे हैं। बिल्कुल अनुशासित दर्शक है। आने के लिए बस द्वारा दिलीप जी उप प्रधान द्वारा की गई, आपको बता दो अभिनंदन। यदि टापू टीम जीतती है, ये मैच जीतती है, तो भाई सूर्या की ओर से 3100 रुपए का पुरस्कार। एक बार सूर्या भाई के लिए जोरदार तालियां। पैसा पता चला गया, पता चला गया भाई, क्या मानोगे उसको हिसाब उठा, लेकिन आपकी बॉडी से टच नहीं रहा। सुभाष भारताड़ी की ओर से यदि टापू टीम जीतती है तो 1,000 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां। रेड आउट, सेल्फ आउट। इधर ध्यान दीजिए, यदि कपूरिया टीम इस बार फाइनल जीतती है तो अनोबा रामजी सियाग सनाब नैना रामजी सियाग की ओर से 11,000 रुपए का पुरस्कार। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। लक्ष्मण जी नाडारी की नाडारी, यदि टापू टीम जीतती है तो 3100 रुपए का पुरस्कार। एक बार लक्ष्मण जी के लिए जोरदार तालियां। भाई जो घोषणा कर रहे हैं ना, थोड़ा स्कोर आप है ना, आगे पीछे हो रहा है उसके बाद में नहीं करें, घोषणा पहले करें।
आपको मैच जैसे ही शुरू होता है उससे पहले घोषणाओं की लाइन लग जानी चाहिए। यदि तापू टीम जीतती है तो खिलाड़ी स्टूडेंट खिलाड़ी मुकेश की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों तालियां बजाते रहे, तालियां में कंजूसी नहीं करें। एक बात बता दूं, पक्का सुन तो लोगे। अरे कुछ उधर लोगों की आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे यही सपोर्ट चाहिए था और सपोर्ट आपने कर दिया। बात यह है कि मैं वादा करता हूं जो आज इस टूर्नामेंट में आया है, नीचे बैठ जाए, पीछे दर्शक है, ऊपर नहीं, यहां पर किसी नोनी को है जो 5 दिन लगा के बैठेगा। गिरी समाधि कपूरिया टीम ए वर्सेज सच्चाई एजुकेशन ग्रुप पोर्शिया, दोनों टीमें वार्म अप होकर तैयार हैं। 30 मिनट बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। ये रेडर है जगमाल जी फौजी साहब, सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में ग्राम सेवक की पोस्ट पर कार्यरत है शायद भेड़। हमारे बीच में मनोज जी द्वारा आपका स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। आपको बता दूं दिनेश सैनी हमारे मनोज जी का स्वागत करें। दिनेश सैनी ऑफिशियल यूट्यूब पर ये मैच लाइव प्रसारण किया जा रहा है। दिनेश धाणी ऑफिशियल यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आपके मित्र यदि दूर है उनको इस बात से अवगत करा दें कि लाइव प्रसारण भी रहा है, इस मैच का आनंद ले सके, मान सम्मान करें। इसके तुरंत बाद तेजा गायन होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है शानदार तेजा गायन होगा। इस मैच के मात्र 3 मिनट है मैदान के अंदर, जो मैदान है इसके अंदर आप पहुंचे। माइक सिस्टम से कौन से भी अनुरोध है माइक तैयार रखें। मित्रों ये कोर्ट खाली कर दें, जब तेजा गायन होगा उस दौरान कोई भी दर्शक चाहे आयोजनकर्ता भी क्यों ना हो कोई भी इस कैंपस के अंदर नहीं रहेंगे, केवल तेजा गायन वाले ही अंदर रहेंगे। महिलाओं के मैच है और महिलाओं की संख्या कम है, यह गलत बात है। इसकी जिम्मेवारी आप और हम सब की है कि हमारे क्षेत्र की बेटियां तब आगे बढ़ेगी जब हम ऐसे मंच पर उनको देखने के अवसर प्रदान करेंगे, तो और बेटियों को कुछ सीखने को मिलेगा और उनका हौसला बुलंद होगा कि वास्तव में कबड्डी का गेम किस प्रकार से खेला जाता है। बोल तीर जीता है जीता दे देते हैं। रुको दादा रुको, सब्स्टिट्यूट टापू की ओर से प्लेयर चेंज करना चाह रहे हैं, टाइम आउट।